बिस्मिल्लाह रहमान सलाम अलैकुम दोस्तों, दो चार मिनट जल्दी आ गए ताकि देख सके। एवरीथिंग इज ओके, आई एम ऑन माय लैपटॉप और लेट्स सी, वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। उरूज भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अब वन पर्सन हैज कम सो फार, लेट्स सी। सिकंदर बट हैज ज्वाइन, वेरी गुड, 8 पीपल। Can you hear Uruj please? Uruj is on another phone. Walaikum assalam. Okay. Salam Dr. Saab and Uruj. Walaikum assalam. Uruj, zara kuch bol to, let's see if they can hear you. Kamran Alvi, salam. हुमा, आई एम ऑन फेसबुक। हुमा को बोलो फेसबुक पे हूं मैं भाई। परमून वगैरह सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हुदा रिजवी सलाम अलैकुम। नूरी खान हजियर, हमाद सफदर, फराज सलीम, जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबडी टू कम। वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास 1 मिनट है अभी। इफ एवरीबडी इज कम, लेट मी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वी आर हियर, नाजिया सलाम, एवरीबडी इज हियर। वी स्टिल हैव अबाउट 500 पीपल मिसिंग एंड लेट्स होप दे कम ऑन टाइम। सो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं एज यूजुअल। अच्छा, कई लोग मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम बाद में ज्वाइन करें, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आप भले पूरा सेशन ज्वाइन ना करें, लास्ट 5 मिनट जो है वो लाइव ही ज्वाइन करने होंगे, बिकॉज बाद में अगर आप सुनेंगे तो लाइव में आप काम नहीं कर सकते। तो प्लीज कोशिश करें कि मेहरबानी करके आप लाइव 5 मिनट्स ज्वाइन कर लें अगर आप कर सकते हो। Can everybody hear me? Please let me know. Okay. We'll start with the questions, please. Nafisa Bangladesh से लिखती है कि अगर हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या वजह है कि हम पॉजिटिव अगर हों भी तो हम नेगेटिव जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं? बड़ी सिंपल है जी, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद है। तो बजाय हम समझते हैं कि हम पॉजिटिव हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, इंसान के अंदर बहुत सारी कैफियत होती है, इंसान के अंदर पछतावा भी होता है, इंसान के अंदर माजी का पेन भी होता है, इंसान के अंदर अफसोस भी होता है, कई चीजें होती है। तो किसी नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब मैं आपकी नेगेटिविटी ने उसको नेगेटिव अट्रैक्ट किया। दूसरा इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जिंदगी में जब कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, पॉजिटिव आदमी जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है उसके साथ इतने ही प्रॉब्लम आते हैं। तो इम्तिहान भी होता है जिंदगी का, लाइक पॉजिटिव आदमी का इम्तिहान कैसे होगा, पॉजिटिविटी मजबूत कब होगी? जिस तरह इंसान वर्जिश करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दर्द उठाता है बदन में, तो उसका जिस्म मजबूत होता है। इसी तरह जहनी मश जब करता है इंसान तो जहन ताकतवर, जहन मजबूत होता है, जहन में जहानत पैदा होती है। इसी तरह एक्टिविटी आप अट्रैक्ट करते हो नफिया, तो इसका मतलब ये कि आपकी एक्टिविटी को मौका मिलता है कि इम्तिहान समझ लें, एक टेस्ट समझ लें। जितनी नेगेटिविटी आपके अतराफ में मौजूद हो, आपने पॉजिटिव रहना, इससे आपकी पॉजिटिविटी मजबूत होती है। तो नेक्स्ट सवाल जी, ये परमून का है दुबई से।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा रिलीजियस है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिलीजियस एस्पेक्ट पे बात ना करूँ, क्योंकि ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं आलिम दीन हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करूँ जो बाद में किसी को प्रॉब्लम हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बात ना करूँ, मगर बात इस हवाले से बात जा सकती है। बुशरा, वॉइस इज नॉट क्लियर, आपके इंटरनेट को जरा चेक करें, बास कट के क्यों आ रही है, आनी नहीं चाहिए, बाकी सब लोगों को सही आ रही है। तमीना, आपको भी बास कट के आ रही है, मे बी समथिंग इज रॉन्ग। एनी फॉरबिडन फ्रूट की बात कर रही है, यानी फॉरबिडन फ्रूट क्या था? जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत में सब कुछ खाना, एक मखसूस दरख्त है उसका फल मत खाना, उस हवाले से इन्होंने पूछा है कि क्या ये खाने की वजह थी, यानी ग्रीड थी, हैवत थी, लालच थी, या फिर ये नफ्स की वजह से हुआ, क्या वजह क्या थी? अब इसको उस जाविये में देखें कि जो मैं समझता हूं, जो माइंड साइंस से एक तालिब इल्म के होते हुए मैं समझता हूं, इंसान की ये जिंदगी दुनिया में हमें ड्यूटी पे है। ड्यूअलिटी मतलब टू पोल्स होते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, सेहत बीमारी, यकीन बेयकीनी, अपोजिट पोल्स होते हैं ना, इसको डिस्पैरिटी भी कहते हैं, ड्यूअलिटी भी कहते हैं। जब में ड्यूअलिटी नहीं थी, जब ड्यूअलिटी नहीं होती तो इंसान के शऊर में अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता, यानी अच्छा उस वक्त अच्छा होता है जब बुरा मौजूद हो, और जब बुरा मौजूद होता है अच्छी पहचान होती, जब अच्छा मौजूद होता है तो बुरी की पहचान होती, को ड्यूअलिटी कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी है। तो जन्नत में ड्यूअलिटी नहीं थी, जब जन्नत में ड्यूअलिटी नहीं थी तो इसका मतलब है वननेस थी, इकायत थी, एक थी, वहां शूर नहीं था अच्छे बुरे का। जब वो फल खाया तो सबसे पहले को एहसास हुआ कि हम बहराना है, उन्हें शर्म आई, तो उन्होंने दरख्त के पत्तों से अपने बदन ढांपने की कोशिश की, यानी वो शऊर जो ड्यूअलिटी पैदा करता है वो जन्नत में नहीं होता। तो उसको इस हवाले से समझ लें कि वो शऊर आ गया अच्छे बुरे का, सही गलत का, तभी फिर इन्होंने परवरदिगार से माफी मांगी, परवरदिगार ने उनको माफ कर दिया और उनको फिर जमीन पे भेज दिया, और जिसके बाद अभी जमीन पे आ गए। रियलिटी डिपेंड्स अपॉन द परसीवर, ये कहा जाता है, मतलब एक शख्स एक चीज को कहता है ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ग्लास इज हाफ फुल, इसको हम नॉर्मली एटीट्यूड कहते हैं। परसेप्शन, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करती है। कई न्यूमरस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया है कि तवज्जो देने से इंसानी जहन, इंसानी शऊर जो है वो मादे को इन्फ्लुएंस करता है। हम कई दफा इस तरह सुना है कि कोई अल्लाह वाले के पास कोई गया और उसने तवज्जो दी और उसका जिक्र जारी हो गया धड़कन से, बीमारी थी किसी ने तवज्जो दी और वो बीमारी ठीक हो गई। ये है पावर ऑफ परसेप्शन, कि तवज्जो के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो माद को इन्फ्लुएंस करे। दूसरा एस्पेक्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट है, एक शख्स किसी चीज को किस तरह परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं इसका कलर जो है व्हाइट है पेपर का, पर व्हाइट जो है वो हमने एक नाम दिया एक मखसूस शेड को ऑफ कलर को, हो सकता है कोई व्हाइट की जगह उसको ब्लू कहता तो फिर ये पेपर व्हाइट ना होता, ब्लू होता, ये भी हमारा परसेप्शन है। तो कई दफा जिस तरह हम चीजों को देखते हैं, हमारे लिए रियलिटी वो होती है जो हमारे जहन में होती है, और हम इस जहन की वजह से चीजों को मायने देते हैं। तो हमारे जहन में जो परसेप्शन होगा, और परसेप्शन हमारा डिपेंड करता है हमारी अकीदे पे, हमारे बिलीव्स पे, हमारे मुख्तलिफ सजेशन पे जो बचपन में हमें मिले, इस वजह से रियलिटी हमारी डिपेंड करता है हमारे अपने परसेप्शन से। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन या फोकस जो है या तवज्जो जो है वो मादे को इन्फ्लुएंस करती, ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे कल मैंने आपको मिरर न्यूरॉन्स के बारे में बताया, इस तरह इंसान का जो जहन है उसके अंदर से जो शोएं निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है, जो इरताश निकलती है, वो मादे को इन्फ्लुएंस करती है। यहीं पे कॉन्सेप्ट नजर का आता है। अब आपको समझ में आ जाएगा नजर लगती कैसे, कोई टच तो नहीं करता,
जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को देखता है अच्छी नजर से बुरी नजर से, तो उसके जहन से निकलने वाली इर्ताज जो है वो सामने वाले को करती है। नेक्स्ट सवाल, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, जैसे चक्रा में होता है। अच्छा जी, होजे सिल्वा ने डेवलप किया, उसने टेक्निक में बनाई थी, उसका नाम है मिरर ऑफ माइंड। टेक्निक में उसने कहा था कि एक स्वीक जो अपने मकसदियत की चाहते हैं, जो आप अपने गोल की फाइनल चाहते हैं, तो आप उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करें। तो लोगों ने उससे पूछा कि लेफ्ट पे क्यों, तो उसने कहा था फ्यूचर टू द लेफ्ट। उस वक्त इतनी ज्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी, मान लिया कि अल्लाह ने उसको सलाह दी थी। साइंस ने साबित किया कि पूरी कायनात जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखिए, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज करता है, हर कायनात में एंटी क्लॉकवाइज चलने की वजह से चीज एक्सपेंड हुई। आपको पता है यूनिवर्स कंटिन्यूस एक्सपेंड, मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, उसकी वजह है हर चीज क्लॉकवाइज सूरज के गोल घूम, सारे सारे हमारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, सूरज और पूरी ये फौज जो है प्लैनेट्स की वो भी किसी और डायरेक्शन में लेफ्ट लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हुई है। सिस्टम पूरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है कहकशां में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पूरी कायनात जैसे जैसे एंटी घूमती है एक्सपेंड होती है। इसका अपोजिट है कि जब क्लॉकवाइज आप करते हैं तो रुक जाती है, रिवर्स आती है। जब किसी को रिवर्स में करना होता है घुमाया जाता है रिवर्स में, जब आप मेज करते हैं तो आपको याद होगा में मैं एंड वाइज जब तो अब पैदा होता है कि हम क्या करें। उसका तरीका ही है कि इनफैक्ट रूस ने भी कई दफा फोर डायमेंशन में और सिल्वा में और इस एक बात करती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, आप सोल्यूशन पे फोकस करें। न बहसियत कौम या बहसियत दुनिया की आवाम, हम सब फोकस करते हैं सिर्फ प्रॉब्लम पे, और जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। हमें आदत ही नहीं है सोल्यूशन पे फोकस करने की, और शायद इसकी वजह यह है कि हमें किसी ने सिखाया नहीं कि सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो हम उसके अपोजिट के बारे में सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, ठीक है ना। अब ये सोच आपके जहन में आती है तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, इसके बजाय आप कहें आई एम रिच, आई एम प्रॉस्परस, यानी मैं फजल है मेरे पास अल्लाह का, मेरे पास सब कुछ है, अबेंडेंस है मेरे पास। जितना आप उस पर फोकस करेंगे जिंदगी में, और आपको ये बड़ा फायदा देगी। तो कोशिश करें कि इसको आप करें। अच्छा जी, ये सवाल तो आज कंप्लीट हो गए। अब मुझे करना सिर्फ इतना है कि आज आपको मेडिटेशन में ले जाना है, और आज से मेडिटेशन में ख़ास किस्म का साउंड भी सुनाऊंगा। ये साउंड बड़ा ही, ये उस वक्त होगा जब आप दाखिल होंगे टनल में, ये याद रहे आपको। अच्छा जी, अब चंद चीज़ें बड़ी। एक, जितना हम खौफ में मुब्तला होंगे हम उस खौफ को पास ऑन करते हैं, जितना हम टेंशन में मुब्तला होंगे करोना की वजह से उतना टेंशन हम पास ऑन करते हैं, जितना हम पैनिक होंगे हम ये पैनिक पास ऑन करते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पर्पस यही है कि जो कुछ मेरी सोच है वो सोच मैं दूसरे में ट्रांसफर करता हूँ, दूसरा तीसरे में करता है, तीसरा चौथे में करता है। जिस तक कोरोना टच से स्प्रेड होता है, ये सोच हमारी बगैर टच स्प्रेड होती है, याद रहे बगैर टच के ये स्प्रेड होती है। तो हमें अपनी सोच के अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी, उम्मीद लानी होगी, हमें खुशी लानी होगी, जितना हो सकेगा उतना बेहतर है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन क्या हो पता है, हमने इसका ह्यूमन
ऑफ हीलिंग हमने कहा है या हमने कहा, ये बेसिकली इसलिए कहा है कि हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं। हालूत आम आदमी को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने कहा कि दरे दुआ या हेवन ऑफ हीलिंग है, यानी वो मकाम है कि जिस मकाम में आप हीलिंग कर सकेंगे। मगर उस मकाम के लिए हमें करना ही होगा अपने कॉन्शियसनेस को इस प्लेन से दूसरे प्लेन पे ले जाना होगा। इसका वजह क्या है? अगर मैं बीमार हूं तो मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी को मैं हीलिंग नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद बीमार हूं। तो जो कॉन्शियसनेस में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें वायरस हमारे कॉन्शियसनेस को बुक्स का, तासुब का, जुल्म का, हसद का, लालच का, बेईमानी का, झूठ का, फरेब का, वायलेंस का, उस कॉन्शियसनेस से मैं हीलिंग नहीं दे सकता। ये याद रहे ये बात आप लोगों की। दुनिया में अभी तो खैर वक्त नहीं है, आई विश कभी ये मौका मिले कि हम रिसर्च करें कि जिन लोगों की अमवात होती है, कोरोना लगना इंसान के इख्तियार में नहीं है, बस आप ये कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, ये रहे वो सब अपनी जगह पे, मगर जिनको हो जाता है और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनके कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स ऐसा हो सकता है जिसके दिल में कोई गम हो, गम बहुत सारे होते हैं, औलाद का गम हो सकता है, कोई ज़िंदगी में बड़ा नुकसान हुआ हो, किसी की अजवाजी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसका दुख और उसका गम उसके अंदर रहता है। जब दुख और गम अंदर रहता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, यानी उसके कॉन्शियसनेस में गम था तो वो चीज़ कैच करता है, फिर हर किस्म का गम वो कैच करेगा दुनिया से। जिसके कॉन्शियसनेस में खुशी होगी, पॉजिटिविटी होगी, वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिविटी और खुशी को। मैं इस वक्त लाहूत और हालूत का इस वक्त फ़र्क नहीं खानम बता सकता, मैंने पहले भी कहा है जो भी सवाल हो वो ईमेल करें, यहाँ सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हमें 6:30 बजे ख़त्म करना है क्योंकि कई लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है, वहाँ पर लाहौर में नमाज का टाइम हो जाता है मगरिब का, कराची में तो खैर थोड़ा टाइम होता है। तो अब एक आज साउंड भी आप सुनेंगे, ठीक है? तो अब तमाम से गुजारिश ये है कि आप अपनी आँखें बंद कर लें, प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़। जिन लोगों ने 4 डायमेंशन किया है वो अपने हीलिंग रूम में जाएं, जिन्होंने सिल्वा किया है वो अपने लेबोरेटरी में जाएं। ये जो टनल में हम आपको दाखिल करेंगे, ये टनल बेसिकली आपको एक और डायमेंशन में ले जाएगी। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो गहरी सांसें ले, 2-3 गहरी सांसें ले, मैं 10 से 1 गिनूंगा और 1 पे आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। रिलैक्स, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। फील रिलैक्स्ड, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करें। नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आप एक टनल में दाखिल हो रहे हैं। अब ये टनल में एंटी क्लॉकवाइज ये टनल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस टनल में बहुत जगह है, बहुत बड़ी स्पेस है। अब मैं काउंट करूंगा तो टनल के दूसरी तरफ आप निकलेंगे। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। बाहर बादल ही बादल ही, बादल नहीं ये पर्दे हैं, इसको हटा के आप एक खास मकाम पर चले जाएं।
ये मकाम दर दुआ है, एवन ऑफ हीलिंग है, ये वो मकाम है जहाँ से आप हीलिंग भेज सकेंगे। अब इस मकाम पे पहले शर्त ये है कि अपने अंदर वो पॉजिटिविटी तलाश करें, वो मुस्बत सोच, वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इसार, वो कुर्बानी, वो इखलाक, उसको याद करें। किसी के लिए कभी कुछ किया हो, कुर्बानी दी हो, किसी को खुशी दी हो, याद करें उसको। उस कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करें जिसमें आपकी अंदर इंसानियत है, अखुवत है, भाईचारगी है, प्यार है, मोहब्बत है, कुर्बानी है, एम्पथी है, रहम दिल है। उस कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करें, अपने अंदर वो क्वालिटी ढूंढें। अब उस कॉन्शियसनेस से दुआ के तौर पर, इरताश के तौर पर, ब्रॉडकास्ट के तौर पर तसव्वुर करें आपकी ये सोच, मुस्बत सोच, आपका प्यार, आपका खलूस उस डायमेंशन में जा रहा है जिस डायमेंशन में आपका जिस्म भी मौजूद है, आपके मोहब्बत करने वाले, ख़ानदान, घर वाले तमाम मौजूद है, दुनिया के तमाम अफराद मौजूद है, और जहाँ वो एक कोरोना वायरस नाम की वबा फैली है तो आप उसको हील कर रहे लोगों को, उनके कॉन्शियसनेस को आप पॉजिटिविटी की तरफ ला रहे हैं, होप की तरफ ला रहे हैं, उम्मीद की तरफ ला रहे हैं। तवज्जो मरकूज रखिएगा, तसव्वुर करें दुनिया के अंदर ग्राफ जो है वो नए लोगों का, बीमारियों का कम होता जा रहा है। लोग खुशहाल हैं, अस्पताल में मरीज कम है, आप अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को वहां देखें। आपका दूसरा पार्ट तवज्जो रखिएगा, चंद सेकंड, पूरी कुव्वत से, ताकत से, दिल की गहराइयों से, अब याद करें कोई वक्त ऐसा जब आपकी कोई दुआ कबूल हुई हो। जब वो दुआ कबूल हुई होगी तो आपको क्या एहसास हुआ होगा, शुक्रगुजारी का, अल्लाह का एहसान आप पर, वो जो कैफियत होती है उस कैफियत को याद करें। आपके माँ बाप ने जिस मोहब्बत से आपको पाला, या दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस से आपको मोहब्बत मिली, उस मोहब्बत को याद करें। वक्त है कि वो मोहब्बत लौटाएं बनी नौ इंसान के लिए, तमाम इंसानियत को लौटाएं। अल्लाह की मखलूक को और भी है, जानवर हैं, परिंदे हैं, मछलियाँ हैं, सबको वो मोहब्बत लौटाएं। और अब आप तसव्वुर करें कि हालात दुनिया में बेहतर हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट्स खुले हैं, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली है, फैक्ट्रियां चल रही है, कारोबार चल रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। ये आप दुआ दे रहे हैं। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि दुआ करने में और दुआ देने में क्या फ़र्क है, याद रहे, कल मिस मत कीजिएगा। और हमें इस हीलिंग को वायरल करना है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग रोज़ शाम को 6 बजे यहाँ पे जमा हो। हमें 20% आबादी चाहिए। आई नो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग वीडियो भेज भी रहे हैं, तो कोशिश करें लोगों को कहें कि 6 बजे आएँ, फ़ोन करके उनको बताएं।
اپنے آپ کو ہیل کرے، فیملی کو کرے، بنی نو انسان کو کرے، اللہ کی تمام مخلوقوں کو کرے۔ اب واپسی کا سفر، اب کلاک وائز گھوم رہی ہے آپ کی ٹنل اور یہ باہر سے گھوم رہی ہے۔ ایک، دس پہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے، دو، تین، چار، پانچ، آہستہ آہستہ باہر کی طرف آ رہے، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، آنکھیں کھول لیں۔ کل ہم تھوڑا سا زیادہ کریں گے، دس ایک منٹ کریں گے میڈیٹیشن، کیونکہ اس میں مزید نئی چیزیں ایڈ ہوں گی۔ ابھی تو چونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو میں ابھی شارٹ کر رہا ہوں، مگر اس میں نئی ٹیکنیکس ایڈ ہوں گی۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز 6 بجے آ جائیے، ہم نے بڑی کوشش کی۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب بھی ٹائم چینج کرتے ہیں تو دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف اوقات ہیں۔ اگر ہم جلدی کرتے ہیں تو امریکہ کے اندر صبح کے 5 بجے ہوں گے، لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہوگا، تو یہ 6 بجے کا ٹائم کوشش کرے۔ اگر آپ لیکچر مس بھی کرتے ہیں نا 5-7 منٹ کے لیے، صرف کھول لیں اپنا یہ فیس بک پہ آ جائیے، اس کو آپ ایکٹیو کریں اور صرف 5-7 منٹ اس میڈیٹیشن میں شامل ہو جائیں۔ ہو سکے تو لوگوں کو 5:30 بجے کال کر کے ریمائنڈ کرا دے کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے آن لائن آنا ہے فیس بک پہ۔ اچھا، مختلف کیفیات ہوں گی، کچھ لوگ سو جائیں گے، کسی کے جسم ہیوی ہوگا، کسی کا جسم بہت لائٹ ہوگا، کسی کا گلا خشک ہو جائے گا، اٹس اوکے۔ یہ ساری ٹرانس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اس قابل بناؤں کہ آپ دعا دینے کے قابل بن جائے لوگوں کو۔ کل میں اس پہ بات کروں گا کہ دعا کرنے میں، ابھی تک ہمیں دعا کرنا سکھایا گیا ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دعا کرنے والا اور دعا دینے والے میں بڑا فرق ہے۔ کل میں بتاؤں گا دعا دینے والا اور دعا کرنے والے کا کیا فرق ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو دعا کرنے والے کے منزل پہ آپ آ جائیں، اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ دعا دے سکیں لوگوں کو۔ دوسری چیز، جن کے کوئی بھی سوال ہو برائے کرم ای میل کر دیں، عروج نے ای میل آپ کو دیا ہوا ہے میرا۔ تابش کی ریکویسٹ بھی یہ تھی کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں، پلیز لوگوں تک پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ ہے، کسی کو فائدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ اور لوگوں کو فون کریں کل 5:30 بجے کہ 6 بجے وہ سارے کے سارے آن لائن آئیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی فیملی سب ساتھ بیٹھے ہوں۔ اور آج کی میں معافی چاہتا ہوں، میں سوچ رہا تھا لیپ ٹاپ پہ بڑا خوبصورت وائڈ اینگل پوز آئے گا، مگر انفارچونیٹلی لیپ ٹاپ میں آواز کا پرابلم تھا، تو میں اب پھر واپس عروج کے کہنے پہ میں پھر اپنے موبائل فون پہ آ گیا، تو آئی تھنک یہ زیادہ بہتر تھا کل بھی موبائل فون۔ آج کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور امید کرتا ہوں کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جو بھی سوال آپ کے ہوں پلیز ای میل کر دیں، واٹس ایپ نہ کریں، ای میل کر دیں۔ میں ہر روز 3-4 سوال لے کر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے طور پہ آپ اس ٹنل میں نہیں جائیں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، اپنے طور پہ آپ ٹنل میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ لائیو نہیں جوائن ہو سکتے تو اس کے بعد جوائن مت ہونا آپ، کیونکہ اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، اگر آپ صوفی سلسلوں سے وابستہ رہیں یا آپ کو کچھ آئیڈیا ہے تو اجازت کے بغیر چیزیں نہیں کی جاتی۔ یہ ٹنل آپ کو اگر ڈائمنڈ آپ سمجھتے ہیں، شاید یہ امیجینیشن ہی امیجینیشن کہتے ہیں ہم، یہ ریالٹی ہوتی ہے۔ کہیں اور ڈائمنشن میں پھنس گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ برائے کرم شامل ہو لائیو ہیلنگ میں۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر لائیو مس ہو جائے تو آپ لیکچر سن لیں، مگر اس کے بعد ہیلنگ میں شامل نہ ہونا جب تک یہ لائیو نہ ہو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعرات کو جو سلسلہ ہوتا تھا ہمارا، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بند کر دیا، اس میں ہم کہتے تھے کہ لائیو آپ ہیلنگ میں شامل ہوں، اگر آپ لائیو ہیلنگ میں نہیں شامل ہوتے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر یہاں ٹنل میں جانا خطرناک ہے، لائیو ہی میں ٹنل میں جائیے گا، میرے ساتھ جائیے گا، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آباد رہے، شاد رہے، خوش رہے۔ بہت بہت شکریہ تابش آپ کا، عروج آپ کا، ان دونوں کی محنت ہے، اس کے پیچھے یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم، جب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا اس چیز کو ہم
करवाते रहे, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। शाम 6 बजे बीच का वक्त होता है, नमाज से पहले तैयारी करनी होती है, तो मैं भी अपना वक्त निकालता हूँ, उरूज भी निकालती है ताबिश। और आप तमाम लोग जो अपना अपना काम छोड़कर इस वक्त फेसबुक पे बैठे, आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, शाद रखे, हर बला से महफूज रखे। आपके शऊर के अंदर इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, अखुवत, भाईचारगी, जो कि हर मज़हब का, हिंदुज़म हो गया, यहूदीज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, तमाम मज़ाहिब एक चीज़ पे मुत्तफिक है कि हमें इंसान बनना है। और इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप इंसान जैसे हैं। बहुत सारे बज़ाहिर चलते फिरती जो मखलूक है, जो नज़र तो इंसान आती है मगर वो इंसान होती नहीं है। इंसान बनने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई एज ए ह्यूमन बींग। वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी होगी जो आपको क्वालिफाई करती है एज ए ह्यूमन बींग। अगर वो क्वालिफाई नहीं किया आपने, तो फिर हम में और दरिंदों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दरिंदा फिर भी बेहतर है, इंसान जब गिरता है तो दरिंदों से भी नीचे गिरता है, जब परवाज़ करता है तो फरिश्तों से ऊपर आला मकाम पे चलता है। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होगी शाम 6 बजे।